कुछ लोगों को मैं 2014 में से 2019 तक जेल के दरवाजे तक ले गया हूं। अब अंदर ले जाने के लिए मुझे टाइम चाहिए, आपके आशीर्वाद चाहिए। तो मैं आने वाले दिनों में दूसरा काम मेरा यह है कि देश को लूटने वालों के प्रति और ज्यादा कड़क होना, और ज्यादा सख्ती बरतना। देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के क्लब में ले जाना है, एक बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनना है। देश की शिक्षा को ग्लोबल बेंचमार्क से जोड़ने की दिशा में हमने कदम उठाने हैं। हमने पिछले 5 साल में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। और एक महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 5 साल जब मैं यहां आया तो मैंने कहा था कि मैं आया तो मैंने इतने गड्ढे देखे हैं पूरे अर्थतंत्र में, व्यवस्था तंत्र में, सब जगह पे मेरे 5 साल गड्ढे भरने में गए हैं। अब आने वाले 5 साल उसको भव्य इमारत के बनाने की दिशा में मुझे जाना है। दूसरा, गत पांच वर्ष आवश्यकताओं को पूरा करने को मैंने प्राथमिकता दी। टॉयलेट नहीं उनको टॉयलेट दो, बिजली नहीं उसको बिजली दो, गांव में रास्ता नहीं वहां रास्ता दो, पानी नहीं वहां पानी पहुंचाओ, रोड नहीं रेल नहीं बस नहीं एयरपोर्ट नहीं, जिसको जिसकी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने का भरसक प्रयास किया। 5 साल मेरा आवश्यकताओं की पूर्ति को बल देने वाला था। उसमें जो कमी रह गई है उसको पूरा करना है, लेकिन अगले 5 वर्ष का मेरा फोकस आकांक्षाओं को पूर्ण करने का है, एस्पिरेशंस को पूर्ण करना है, आपके ड्रीम्स को एड्रेस करना है। और इसलिए 5 साल मेरी पूरी ताकत, जो कमियां थी उसको दूर करना, जो बुराइयां थी उसको लड़ना, जो तत्कालीन आवश्यकता है उसको पूर्ण करना, उसमें मैंने पूरी शक्ति लगाई है। और नेक्स्ट 5 ईयर जो आकांक्षाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उन एस्पिरेशंस को एड्रेस करने के लिए है। और मुझे विश्वास है कि इस रास्ते पर देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे।